लेते हैं एग्जांपल नंबर 6 का पार्ट 2, ऐड दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन। तो ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये आपका सेकंड। तो एक काम करो, पहले दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। ओके, सो सिंप्लीफाइंग फर्स्ट एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन, कितना है 4y, और यहां पर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई 4y इनटू क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 5y और माइनस 7। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। देखिए बच्चों, 4y इनटू ये 4y यहां पे मल्टीप्लाई होगा, यहां पे भी होगा और यहां पे भी होगा, करेक्ट। यानी कि क्या हो जाएगा 4y इनटू 3y स्क्वायर। ओके, और फिर प्लस लगाएंगे 4y इनटू 5y, 4 ये 4y, 4y इनटू 5y, और फिर क्या लगाएंगे, यहां देखो माइनस है ना भाई, 4 के साथ प्लस है और यहां माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो क्या हो जाएगा 4y इनटू 7। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों। 4 3 का क्या होता है 12, और देखो यहां y की पावर 1 है, यहां y की पावर 2 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो 12 y का क्यूब और प्लस 4 5 का कितना हो गया 20, यहां y की पावर 1 है, यहां y की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड, यानी कि y की पावर 2, और माइनस 4 7 का कितना होता है 28, और y ये लीजिए आगे आपका। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो सिंप्लीफाई होके आया है आपका, ये रहा, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो एक काम करते हैं, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन यहां पर लिख देते हैं। ओके, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये सिंप्लीफाई होने के बाद कितना हो गया आपका, ये सिंप्लीफाई होने के बाद कितना हो गया आपका, ये हो गया बच्चों कुछ ऐसा। ओके, यानी कि 12y क्यूब और प्लस 20y स्क्वायर और माइनस 28y। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका। ओके, नोट करिए फटाफट, नोट करिए। अब देखिए सेकंड वाला जो है, तो हमने क्या लिखा, सिंप्लीफाइंग सेकंड एक्सप्रेशन। अब सेकंड एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, करेक्ट, और जब दोनों सिंप्लीफाई होंगे तो उठा के हम दोनों को ऐड कर देंगे, करेक्ट स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं क्या होता है। नाउ सेकंड एक्सप्रेशन बच्चों क्या है, ये रहा आपका, है ना, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, 2 इनटू यहां पे इनटू है ना, और ब्रैकेट में ऐसा कुछ, यानी कि y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर और प्लस 5। ओके, सो करना कुछ नहीं, ये 2 को उठा के अंदर भेजेंगे इधर, सो 2 इनटू y क्यूब, फिर 2 आके यहां मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि ये वाला माइनस लगाएंगे पहले, है ना, क्योंकि 2 के आगे प्लस है और यहां माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और क्या हो जाएगा 2 इनटू 4y स्क्वायर, और 2 के आगे प्लस है, यहां भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, और 2y, सॉरी 2y नहीं, ओनली 2, ओके, 2 इनटू 5, ये 2 आके यहां पे भी मल्टीप्लाई करेगा। ओके, नाउ 2 इनटू y क्यूब, 2y क्यूब, ओके, माइनस 2 4 का 8, और y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और प्लस 2 5 का कितना होता है 10, ये लीजिए। यानी कि बच्चों जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो आपका जो है सिंप्लीफाई होकर कितना हो गया, सेकंड एक्सप्रेशन जो था वो कुछ ऐसा हमारे पास आ गया, यानी कि आ गया 2y क्यूब माइनस 8 y स्क्वायर प्लस 10। यानी कि अब क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बन गया कि ऐड दिस एंड दिस। ओके, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हमको इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ओके, सो अब हम ऐड करने की कोशिश करते हैं बच्चों। सो हमने क्या लिखा, एडिंग एक्सप्रेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, exp का मतलब एक्सप्रेशन 1 एंड 2। ओके, यानी कि फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को अब हम ऐड करेंगे। तो करना कुछ नहीं बच्चों, पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक। सो कॉपी करिए, कितना है 12 y क्यूब और प्लस 20 y स्क्वायर और माइनस 28 y। ओके, एंड की जगह क्या लगा दोगे, प्लस, और फिर सेकंड एक्सप्रेशन ये वाला कॉपी कर लीजिए, कितना है 2 y क्यूब माइनस 8 y स्क्वायर और प्लस 10। ओके बच्चों, यहां ब्रैकेट ऐसे लगा सकते हो आप, ठीक है। अब देखो यहां प्लस है, तो प्लस से आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेट लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ब्रैकेट यहां से आप हटा सकते हो, जब आप प्लस कर रहे होते हैं ना तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत बच्चों नहीं होती। ओके, जब हाँ अगर माइनस कर रहे होते हैं, यहां पे माइनस होता तो ब्रैकेट लगाते, क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन करेंगे माइनस से तो सारे के सारे साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके, नाउ अब देखिए बच्चों, यहां पर लाइक टर्म्स जो है उनको पास पास ले आओ, 12y क्यूब और प्लस 2y क्यूब। ओके, सो 12y क्यूब और प्लस 2y क्यूब, लाइक टर्म्स मतलब जिसमें y का क्यूब है, इसी तरीके से जिसमें y का स्क्वायर है, तो 20y स्क्वायर, तो प्लस का 20y स्क्वायर। ओके, और माइनस का 8y स्क्वायर, और इसके बाद नंबर आपके y वाले टर्म्स बचे हैं क्या, यहां पे देखो y वाला टर्म है लेकिन वहां पर नहीं, कोई बात नहीं, तो माइनस 28y लिखेंगे, माइनस 28y लिखा, ये देखिए,
और उसके बाद लास्ट में प्लस का 10 बच गया, सो प्लस का 10, तो सब कुछ कवर हो चुका है, करेक्ट। तो बच्चों आपने देखा हमने यहाँ पे y के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, y की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले y की पावर 3 वाले टर्म्स लिख लिए, फिर y की पावर 2 वाले, फिर y की पावर 1 वाले, और फिर y की पावर 0, मतलब जिसमें y नहीं है, ओके। नाउ अब देखिए बच्चों प्लस प्लस क्या होता है, प्लस तो 12y क्यूब प्लस 2y क्यूब दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगे, 12 प्लस 2 कितना होता है 14, तो ये आ गया 14y क्यूब, और यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे और यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे। इन दोनों को देखो, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यानी कि 20 माइनस 8 करना है, 20 माइनस 8 कितना होगा 12, ओके बच्चों, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, सो 12y स्क्वायर, नाउ स्टूडेंट्स माइनस 28y ऐसे ही रहेगा बिकॉज y वाला और कोई दूसरा टर्म नहीं है यहाँ पर, ओके, सो माइनस 28y, और लास्ट में क्या है बच्चों प्लस का 10, ओके स्टूडेंट्स, तो आप आंसर मैच कर सकते हो, आ रहा है 14y क्यूब प्लस 12y स्क्वायर माइनस 28y और प्लस 10, करेक्ट बच्चों। तो एक तो तरीका ये है करने का, दूसरा तरीका क्या है, आपको ऐड करना है तो आप क्या करो कॉलम वाइज ऐड कर लो, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन को कॉपी कर लो, क्या है जैसे आपके बुक में किया है ना, 12y क्यूब और प्लस जैसा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है पहले के एक्सरसाइजेस में, 20y स्क्वायर माइनस 28y, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसके नीचे आप सेकेंड एक्सप्रेशन कॉपी करो, किस तरीके से, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आने चाहिए, सो 2y क्यूब आएगा 12y क्यूब के नीचे, फिर माइनस 8y स्क्वायर आएगा 20y स्क्वायर के नीचे, और प्लस का जो 10 है वो थोड़ा सा शिफ्ट करके ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ आगे हम लिख देंगे प्लस, यानी कि इन दोनों एक्सप्रेशन को हम ऐड कर रहे हैं। अब 12 प्लस 2 कितना होता है बच्चों, 12 प्लस 2 होता है 14y क्यूब, है ना, और 20 माइनस 8 कितना होता है, 20 माइनस 8 कितना होता है 12, सो 12y स्क्वायर, और ये माइनस का 28y कॉपी कर लिया और प्लस का 10, तो आप सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, है ना, ऐसे ये फर्स्ट रो सेकंड रो याद है ना पहले पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया बच्चों तो प्लीज़ प्लेलिस्ट फॉलो करिए, पिन कमेंट में दिया हुआ है, ओके, और या तो आप इस तरीके से ऐड कर लो, जैसे मैंने आप वैसे ऐड कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके।